हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एमी। जिस तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, ये वही तरीका है जिससे कोई बच्चा अपनी मदर लैंग्वेज सीखता है, देखकर सुनकर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं धड़कन मूवीज़ के सारे सेंटेंसेस पार्ट बाई पार्ट लेकर आ रहा हूँ, जिसके मैंने अभी तक 12 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं। दिस इज़ पार्ट 13। तो अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर मेरे प्ले लिस्ट पर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसका पहला सेंटेंस है, लेकिन मैं जिंदा रहा। यहाँ पर सुनील शेट्टी शिल्पा शेट्टी से बोल रहे हैं कि तुम्हारे छोड़ने के बाद मैं तो जी गया, लेकिन माँ मर गई। लेकिन मैं जिंदा रहा, बट आई लिव्ड ऑन, बट आई लिव्ड ऑन। हर पल हर लम्हा तुम्हें याद करके जिंदा रहा। आई थॉट ऑफ यू इवन मोमेंट एंड स्टेट अलाइव। आई थॉट ऑफ यू इवन मोमेंट एंड स्टेट अलाइव। जानती हूँ अंजलि, जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। डू यू नो व्हेन यू लेफ्ट मी, डू यू नो व्हेन यू लेफ्ट मी। मेरी जेब में 50 पैसे नहीं थे। आई डिडंट हैव 50 पैसे विद मी। आई डिडंट हैव 50 पैसे विद मी। लेकिन आज मेरे पास 500 करोड़ रुपए हैं। बट टुडे आई हैव 5 बिलियन। बट टुडे आई हैव 5 बिलियन। जानती हो, 50 पैसे से 500 करोड़ तक का सफ़र मैंने कैसे तय किया होगा। डू यू नो हाउ आई ट्रेवल्ड फ्रॉम 50 पैसे टू 5 बिलियन। डू यू नो हाउ आई ट्रेवल्ड फ्रॉम 50 पैसे टू 5 बिलियन। तुम सोच भी नहीं सकती। यू कांट इवन बिगन टू इमेजिन। यू कांट इवन बिगन टू इमेजिन। मैं रोज चलता था। आई वुड वॉक एवरी डे। आई वुड वॉक एवरी डे। चलते चलते थक जाता था। आई वुड गेट एग्जॉस्टेड वॉकिंग। आई वुड गेट एग्जॉस्टेड वॉकिंग। गिरता था, उठता था। आई वुड फॉल एंड गेट अप। आई वुड फॉल एंड गेट अप। चकम भरते थे। आई वुड वुंड माई सेल्फ। आई वुड माई सेल्फ। लहू निकलता था। आई वुड ब्लीड। आई वुड ब्लीड। लहू निकलता था। फिर गिरता था। आई वुड फॉल अगेन। आई वुड फॉल अगेन। लेकिन तुम्हारी आवाज़ सूरज की किरणों की तरह मेरे दिल और दिमाग को चीर कर निकलती थी और कहती थी, बट योर वॉइस वुड पियर्स थ्रू माई हार्ट लाइक द सन एंड कॉल आउट। बट योर वॉइस वुड पियर्स थ्रू माई हार्ट लाइक द सन एंड कॉल आउट। एक कदम और देव, एक कदम और। वन मोर स्टेप देव, वन मोर। वन मोर स्टेप देव, वन मोर। फिर कदम से कदम मिलाकर मैंने 50 से 500 करोड़ तक का सफर तय किया। Then matching steps, I went from 50 paise to 5 billion. Then matching steps, I went from 50 paise to 5 billion. लेकिन एक बात कहूँ अंजलि, shall I say something, लेकिन एक बात कहूँ अंजलि, इन सब का कोई मोल नहीं। None of this has any value. ये सब बकवास है। All this is trash. क्योंकि अगर तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। Everything is meaningless when you are not with me. क्योंकि अगर तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी नहीं हो सकती देव। But I can't be yours. मैं किसी और की हो चुकी हूँ। I belong to somebody else. क्योंकि मैं किसी और की हो चुकी हूँ। अंजलि मत भूलो, तुम्हारी शादी जबरदस्ती की गई थी। Don't forget you were forced into the marriage. एक इंसान से नहीं बल्कि उसके धन दौलत से। Not with a man but with his wealth. उसके शानो शौकत से, उसके रुतबे। With his luxuries and status. आज वही शानो शौकत रुतबा मेरा है। Today I possess the same status and wealth. तो तुम मेरी हुई ना। Doesn't that make you mine? मैं नहीं जानती मेरा रिश्ता किससे कराया गया था। I don't know whom I was betrothed to. नेक्स्ट है, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जिस आदमी से मेरी शादी हो गई है। I know only that the man I married. उन्हें मैं पूछती हूँ। I worship him. उन्हें मैं पूछती हूँ। वही मेरे पति हैं, वही मेरे जीवन साथी। He is my husband. He is my life partner. मेरी हर सांस में, हर धड़कन पर राम बसे हुए हैं। Ram lives in every breath and heartbeat of mine. देव तुम कहीं नहीं हो। You are now here. देव तुम कहीं नहीं हो। भूल जाओ मुझे। Forget me. भूल जाओ सब कुछ। Forget everything. मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता। It's not possible for me to forget you. फ्रेंड्स, बहुत ही फेमस डायलॉग है। मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता। और तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। And I won't let you forget me. इस जन्म में तुम मेरी होगी। You will be mine in this birth.
तो ये तुम भी सुन लो देव, यू टू हियर मी आउट, यू टू हियर मी आउट। ये जन्म तो क्या अगले 7 जन्मों तक मैं उनकी हो चुकी हूँ। आई बिलोंग टू हिम नॉट ओनली इन दिस बट द नेक्स्ट 7 बर्थ्स। आई बिलोंग टू हिम नॉट ओनली इन दिस बट द नेक्स्ट 7 बर्थ्स। सिर्फ उनकी, ओनली हिज, ओनली हिज। बहुत नाइंसाफ़ी हुई है आप लोगों के साथ। इनजस्टिस हैज़ बीन डन टू यू, इनजस्टिस हैज़ बीन डन टू यू। नेक्स्ट है, हमने कब कहा कि हमारे साथ इंसाफ हुआ है। वी नेवर क्लेम दैट जस्टिस वॉज डन टू अस, वी नेवर क्लेम दैट जस्टिस वॉज डन टू अस। रिश्तेदारी की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है इस देश में। वन हैज़ टू पे अ प्राइज फॉर रिलेशंस, वन हैज़ टू पे अ प्राइज फॉर रिलेशंस। लेकिन वो कीमत आप ही क्यों चुका रहे हैं। बट वाई आर यू पेइंग इट अलोन, बट वाई आर यू पेइंग इट अलोन। वो क्यों नहीं, वाई नॉट हिम, वाई नॉट हिम। वो क्यों नहीं, वो कैसे, हाउ इज़ दैट, हाउ इज़ दैट। वो कैसे, इस वक्त आप लोग एक चौथाई पर हैं। एट दिस मोमेंट यू आर एट वन क्वार्टर, एट दिस मोमेंट यू आर एट वन क्वार्टर। यहाँ पर सुनील शेट्टी अक्षय कुमार के छोटे भाई से बोल रहे हैं कि आप लोगों से बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, आप 25% क्यों ले रहे हैं और वो 75% क्यों ले रहा है। तो ये लोग बोल रहे हैं कैसे हो सकता है कि हम बराबर रिश्तेदार हो जाएं। नेक्स्ट है, और वो तीन चौथाई पर, एंड ही ओन्स 3/4, एंड ही ओन्स 3/4। क्यों ना बराबर के हिस्सेदार बन जाए। वाई डोंट वी बिकम इक्वल्स, वाई डोंट वी बिकम इक्वल्स। लेकिन मिस्टर देव, आप इतने बड़े बिजनेस टाइकून हैं। बट यू आर सच ए बिजनेस टाइकून, बट यू आर सच ए बिजनेस टाइकून। आपको हमारे इस बिजनेस में इतना इंटरेस्ट क्यों, वाई आर यू इंटरेस्टेड इन आवर बिजनेस, वाई आर यू इंटरेस्टेड इन आवर बिजनेस। एक हमारे रिश्तेदार में इतनी दिलचस्पी क्यों है आपको, वाई आर यू इंटरेस्टेड इन आवर रिलेटिव्स अलोन, वाई आर यू इंटरेस्टेड इन आवर रिलेटिव्स अलोन। मुकाबला, वो उस ऊंचाई पर है। कॉम्पिटिशन, ही इज़ एट द पीक, कॉम्पिटिशन ही इज़ एट द पीक। वह उस ऊंचाई पर है जहाँ पर सिर्फ एक आदमी खड़ा रह सकता है। वेयर ओनली वन मैन कैन स्टे, वेयर ओनली वन मैन कैन स्टे। वो हूँ मैं, एंड दैट इज़ मी, एंड दैट इज़ मी। क्यों नहीं, हम आपके साथ हैं। वाई नॉट, वी आर विद यू, वी वर विद यू। वाई नॉट, वी वर विद यू। और आपकी और कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं है, और आपकी और कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं है। यू डोंट हैव एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, यू डोंट हैव एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। हमारे भाई को ही देख लीजिए, इतने लोन्स उठा रखे हैं बिजनेस और घर के नाम पर। टेक अवर ब्रदर्स, टेक अवर ब्रदर्स, ही इज टेकन लोन्स अगेंस्ट द हाउस एंड द बिजनेस, ही इज टेकन लोन्स अगेंस्ट द हाउस एंड बिजनेस। अपने ज़बरदस्त नए प्रोजेक्ट के लिए, फॉर हिज ग्रेट न्यू प्रोजेक्ट, फॉर हिज ग्रेट न्यू प्रोजेक्ट। लेकिन इस बार भी वही कामयाब होगा ना। यहाँ पर अक्षय कुमार की बहन बोल रही है अपने छोटे भाई से, बट दिस टाइम टू ही विल बी सक्सेसफुल, बट दिस टाइम टू ही विल बी सक्सेसफुल। जीत तो उसी की होगी, ही विल बी विक्टोरियस, ही विल बी विक्टोरियस। इस जन्म तो क्या वो अगले 7 जन्मों तक जीत नहीं सकता। फॉरगेट अबाउट दिस बर्थ, ही कांट विन इन द नेक्स्ट 7 बर्थ्स। फॉरगेट अबाउट दिस बर्थ, ही कांट विन इन द नेक्स्ट 7 बर्थ। ये क्या है चोपड़ा साहब, वॉट इज दिस मिस्टर चोपड़ा, वॉट इज दिस मिस्टर चोपड़ा। मुझे मेरे कर्ज की अदायगी फौरन चाहिए। आई वॉन्ट माई लोन पैड राइट अवे, आई वॉन्ट माई लोन पैड राइट अवे। लेकिन क्यों, बट वाय, बट वाय। मुझे आपके प्रोजेक्ट पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। आई डोंट ट्रस्ट योर प्रोजेक्ट, आई डोंट ट्रस्ट योर प्रोजेक्ट। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, वॉट 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 आर यू टॉकिंग लाइक दैट। आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट तो आपकी ही देन है, ये प्रोजेक्ट तो आपकी ही देन है। बट दिस प्रोजेक्ट इज योर बेबी, बट दिस प्रोजेक्ट इज योर बेबी। आप पर तो विश्वास करके मैंने अपने सारे पैसे इस पर लगा दिए। आई ट्रस्टेड यू एंड इन्वेस्टेड ऑल माई मनी इन इट, आई ट्रस्टेड यू एंड इन्वेस्टेड ऑल माई मनी इन इट। अब आप ऐसे कैसे मुकर सकते हैं, हाउ कैन यू टर्न अवे, हाउ कैन यू टर्न अवे। मुझे मेरा पैसा चाहिए बस, आई जस्ट वॉन्ट माई मनी, आई जस्ट वॉन्ट माई मनी। मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट आर्ग्यूमेंट्स, आई डोंट वॉन्ट आर्ग्यूमेंट्स। इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी मैं कहाँ से ला कर दूंगा। फ्रॉम वेयर कैन आई गेट दिस लार्ज सम सो सून, फ्रॉम वेयर कैन आई गेट दिस लार्ज सम सो सून। इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम कहाँ से ला कर दूंगा। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने सारे पैसे मैंने इस प्रोजेक्ट में लगा दिए हैं। यू आर अवेयर दैट आई हैव इन्वेस्टेड ऑल माई मनी इन दिस प्रोजेक्ट, यू आर अवेयर दैट आई हैव इन्वेस्टेड ऑल माई मनी इन दिस प्रोजेक्ट। अगर आप नहीं दे सकते तो मुझे मेरे कर्ज की रकम कोई और देने के लिए तैयार है। इफ़ यू कांट पे मी समबडी इज़ विलिंग टू पे मी ऑफ, इफ़ यू कांट पे मी समबडी इज़ विलिंग टू पे मी ऑफ।
आप उन्हीं से बात कर लीजिएगा। यू मे टॉक टू हिम, यू मे टॉक टू हिम। देखिए मिस्टर दीवान, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। अप्स एंड डाउन्स आर ए पैन ऑफ बिजनेस, अप्स एंड डाउन्स आर ए पैन ऑफ बिजनेस। आप भूल गए कि आपके आड़े वक्त मैं भी आपके काम आया था। यू फॉरगेट दैट आई हेल्प यू इन योर बैड टाइम्स, यू फॉरगेट दैट आई हेल्प यू इन योर बैड टाइम्स। क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि मुसीबत के वक्त आप मेरे काम आए। इजंट इट योर ड्यूटी टू हेल्प मी इन माई बैड टाइम, इजंट इट योर ड्यूटी टू हेल्प मी इन माई बैड टाइम। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।